अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, दैट इज़ द कॉकरोच दैट रॉट म्यूजिक। इट इज़ रिटन बाय ट्रेवर टॉड। इट इज़ अबाउट अ यंग बॉय हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। ही हैज़ टू राइट अ म्यूजिकल पीस एज होमवर्क। Now let's discuss who comes to his rescue. Chapter number 3 है हमारा The Cockroach That Wrought Music. It is written by Trevor Todd. Trevor Todd ने ये लिखा हुआ है The Cockroach That Wrought Music. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक यंग बॉय की स्टोरी जिसका नेम है बेंजी। एक यंग बॉय है बेंजी जिसको अपना होमवर्क करना होता है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक सब्जेक्ट होता है तो उसको अपने म्यूज़िक सब्जेक्ट का होमवर्क करना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, उसका दिल नहीं चाहता है अपना होमवर्क करने के लिए। तो इसी स्टोरी में बताया गया है कि उसके होमवर्क करने में उसकी कौन हेल्प करता है। द कॉकरोच दैट रॉट म्यूज़िक। नाउ लेट्स स्टार्ट। वार्म अप, फाइंड द नेम्स ऑफ 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हिडन इन द ग्रिड। यहाँ पर आपको एक ग्रिड गिवन है, इसमें से आपको 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू म्यूज़िक होता है, मतलब गिटार, वायलिन, तबला, फ्लूट, ये आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूपिड होमवर्क। बेंजी टोर द पेपर एंड क्रश्ड इट। ही टुक आउट ए फ्रेश पीस ऑफ पेपर, म्यूज़िक होमवर्क, वॉट अ न्यूसेंस। अब क्या होता है, बेंजी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका दिल नहीं चाहता है अपना होमवर्क करने के लिए, तो वो कहता है स्टूपिड होमवर्क। वो उसे होमवर्क पर बहुत गुस्सा आता है और बेंजी क्या करता है, पेपर को फाड़ देता है, टोर कर देता है और उसको क्रश करता है। गुस्से में वो क्या करता है, पेपर को फाड़ के उसको बहुत बुरी तरह से क्रश कर देता है, उसको पेपर को भीग देता है पूरा। और फिर ही टुक आउट अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, और एक न्यू पेपर पर अपना होमवर्क स्टार्ट करता है और कहता है म्यूज़िक होमवर्क, व्हाट अ न्यूसेंस, क्या मुसीबत है म्यूज़िक होमवर्क, कि म्यूज़िक होमवर्क भी कोई करने वाला होता है। ही डिप्ड द पेन इन अ बॉटल ऑफ स्पेशल ब्लैक इंक एंड प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन। अब वो क्या करता है, अपने पेन को बॉटल, जो ब्लैक इंक का पोट होता है, मीन्स उसके पास वैसे पेन नहीं होते हैं जैसे हम बॉल पेन यूज़ करते हैं, उसके पास इंक पेन होता है, तो वो अपने पेन को डिप करता है बॉटल में इंक लेने के लिए और फिर से स्टार्ट कर देता है अपना होमवर्क करना। टू मच इंक, इट फॉर्म्ड अ शाइनिंग ब्लैक बॉल रोल्ड अलॉन्ग द निब एंड प्लॉप्ड ऑन द न्यू पेज। अब क्या होता है, जैसे ही वो अपने पेन को बॉटल में डिप करता है इंक लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंक आ जाती है, और जब वो अपने पेपर पर चलाता है वर्क करने के लिए, अपने पेपर पर पेन चलाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए वो पेपर पर ऐसे उसने यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है अपना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक आ जाती है और क्या बन जाती है वो, क्योंकि वो ब्लैक कलर की इंक होती है तो एक शाइनिंग ब्लैक बॉल बन जाती है, जैसे चमकती हुई कोई बॉल बन रही हो, इस तरह से वहाँ पर एक ब्लैक बॉल की फॉर्म हो जाती है और जो निब होती है वो पूरे पेपर पर इस तरह फैल जाती है। बेंजी फ्रॉन, अब बेंजी को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो होमवर्क करना ही नहीं चाह रहा था, फिर ऊपर से ये निब प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी भवों को चढ़ाता है। मिस बेल वॉज श्योर टू नोटिस दैट। अब मिस बेल कौन है, बेंजी की टीचर है, तो वो कहता है कि मिस बेल जो है ना वो वाकई इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस कर लेंगी कि यहाँ पर और इन्होंने इतना गंदा सा वर्क किया है। नेवर माइंड नाउ वन ऑफ दोज कर्ली थिंग्स एट द स्टार्ट ऑफ द 5 लाइन्स should it curl around the bottom line or the second from bottom line, second from bottom। अब क्या होता है, वो जब कहता है कि मिस बेल ना इसको वाकई नोटिस करेंगे, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब करेंगे तो कर लेंगे, क्या हो जाएगा। फिर अब जब वो म्यूज़िक वर्क होता है उसका, तो आपने देखा होगा म्यूज़िक वर्क में उसके पास 5 लाइन्स होती है ऐसे, मतलब मोस्टली इस तरह से 5 लाइन्स होती हैं और करनी होती हैं उसे, तो उसको कुछ इस टाइप का बनाना होता है कि म्यूज़िक वर्क है, क्योंकि उसका तो म्यूज़िक से ही रिलेटेड उसका होमवर्क हो गया। जैसे आपने देखा होगा ना म्यूज़िक का साइन इस तरह से बने हुए होते हैं, तो ये इसमें दिखाया गया है कि उसको क्या करना है, उसको कर्ली थिंग्स बनानी है। यहाँ पे कर्ली थिंग्स कहा गया है, यानी कि जो मुड़ी हुई होती है, आपने कर्ली हेयर देखे होंगे ना, तो उससे कर्ल का आइडिया लगाइए। तो वो क्या कहता है, वो मतलब वो सोच में पड़ा होता है कि मुझे कैसे करना है वर्क, जो वो कहता है कि शुड इट कर्ल अराउंड द बॉटम लाइन और द सेकंड फ्रॉम बॉटम लाइन, तो जो मुझे कर्ल करना है वो बॉटम लाइन से कर्ल करना है या सेकंड फ्रॉम बॉटम लाइन से कर्ल करना है। फिर उसको उसको आइडिया मिल जाता है सेकंड फ्रॉम बॉटम, हाँ सेकंड फ्रॉम बॉटम से करना है मुझे, मीन्स वो अपने वर्क को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे कैसे कर्ल करना है, मुझे कैसे म्यूज़िक होमवर्क करना है। नाउ सेकंड पैराग्राफ,
Right. Benji thought of his friends at the beach as he started at his homework. It seemed more boring than ever. अब क्या होता है? वो कहता है चलो ठीक है ऐसे ही कर लेता हूँ. अब बेंजी के माइंड में क्या आ जाता है एकदम, क्योंकि जब उसका होमवर्क में दिल नहीं होता है, वो होमवर्क करना ही नहीं चाहता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट होता रहता है. कभी उसका माइंड कहीं और जाता है, कभी किसी और बात को याद करता है. तो इसी तरह उसके माइंड में क्या आते हैं, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं. और वो जैसे ही अपना होमवर्क स्टार्ट करना करता है स्टार्ट, तो उसको अपने फ्रेंड्स याद आ जाता है कि ओ मेरे फ्रेंड्स तो बीच पर होंगे इस वक्त. इट सीम्ड मोर बोरिंग देन एवर. अब क्या होता है, एक तो पहले इतना ज़्यादा बोरिंग वर्क लग रहा था उसको, अब उसे और ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है. आज से पहले उसे कभी अपना म्यूज़िक होमवर्क इतना बोर नहीं लगा था. बेंजी जंप्ड, देयर वॉज क्विक स्क्वेयरिंग मूवमेंट अक्रॉस द टॉप ऑफ हिज डेस्क. समथिंग स्मॉल एंड ब्लैक डार्टेड अंडर द म्यूज़िक बुक. ही लिफ्टेड इट केयरफुली. अब क्या होता है, बेंजी एकदम कूदता है और बेंजी क्या देखता है कि उसकी डेस्क के ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ से मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ बहुत तेज़ चल रही है. कैसी है और वो थिंग कैसी है, समथिंग ब्लैक एंड स्मॉल डार्टेड अंडर द म्यूज़िक बुक. म्यूज़िक बुक के अंदर कोई ब्लैक कलर की और कोई छोटी सी चीज़ जो है वो सडनली अपना मूवमेंट कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी से मूवमेंट कर रही है. वो उसको उठाकर देखता है और वो कहता है ओ, यानी कि उसे बहुत बुरी फीलिंग आती है जो कुछ भी म्यूज़िक बुक के अंदर होता है. अब आप गेस कर सकते हैं म्यूज़िक बुक के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम क्या है, द कॉकरोच दैट रॉट म्यूज़िक. मीन्स अब उसकी म्यूज़िक बुक के अंदर एक कॉकरोच निकलता है. बेंजी हेटेड कॉकरोचेज. ओ नो. अब बेंजी को कॉकरोचेज से बहुत ही बुरी लगते थे, उसे वो हेट करता था उनसे. वो कहता है हो नहीं. द कॉकरोच हैड रन थ्रू द ब्लॉब ऑफ इंक ऑन हिज होमवर्क. स्पाइनली ट्रायल्स वर लेफ्ट अक्रॉस द पेज. अब कॉकरोच क्या है, कॉकरोच क्या करता है, जो बेंजी की जो इंक होती है ना, इंक मान लीजिए यहाँ से वो लिख रहा था तो यहाँ पे इंक लग जाती है बहुत मोटी सी, तो कॉकरोच क्या करता है, उसी इंक की डॉट के ऊपर को चलता है. स्पाइनली ट्रायल्स वर लेफ्ट अक्रॉस द पेज रियोन. ही वुड हैव टू स्टार्ट अगेन नाउ. ही लिफ्टेड द बुक हायर रेडी टू क्रैश इट डाउन ऑन द पेस्की डर्टी इंसेक्ट. अब वो क्या करता है, जो कॉकरोच होता है ना, वो जो उसकी एक डॉट सी बन जाती है इंक की, वो उसी के ऊपर आता है और फिर चलने लगता है. अब देखिए, अब जब वो चलने लगता है तो इंक वो अपने पैरों के साथ लेके आगे चलता रहता है और उसकी जो नोटबुक है उसको ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है. रियोन्ड. अब उसको दोबारा से अब करना पड़ेगा स्टार्ट अपना वर्क, क्योंकि एक तो वो पहले इतना ख़राब हो रहा था, फिर कॉकरोच आकर उस पर बैठ गया और आगे चलने लगा. उस वो क्या करता है, ही लिफ्टेड द बुक हायर रेडी टू क्रैश इट डाउन ऑन द पेस्की डर्टी इंसेक्ट. अब उसे गुस्सा आ जाता है बहुत. वो क्या करता है, अपनी बुक को ऊपर उठाता है और बिल्कुल तैयार रहता है कि उस गंदे से इंसेक्ट को मारने के लिए, कि अब यानी वो अपनी बुक को ऊपर उठाकर वो उस कॉकरोच के ऊपर मार देगा और उसको क्रैश कर देगा, कॉकरोच को बिल्कुल ख़त्म कर देगा. द कॉकरोच डिड नॉट मूव. इट सैट देयर ट्विचिंग इट्स लॉन्ग स्लेंडर फीलर्स. इंक पर्टिकुलर्स स्टक टू हिज इट्स हेयरी लेग्स. बेंजी हेजिटेटेड. लेकिन क्या होता है, कॉकरोच बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, कॉकरोच वहीं बैठा रहता है और अपने फीलर्स को, फीलर्स यहाँ पे इसके जो एंटीना टाइप आपको दिखाया गया है ना, ये इसके यहाँ पर कहा गया है कि उसके जो लॉन्ग स्लेंडर, स्लेंडर मींस थिन पतले, उसके जो लॉन्ग स्लेंडर फीलर्स थे वो उनको टीचिंग करता है, यानी कि उनको मूवमेंट देता है अपने, ये इनको बहुत हिलाता है वो. और जो इंक होती है वो उसके लेग्स पर चिपक जाती है. बेंजी थोड़ा हेजिटेटेड होता है, बेंजी मतलब ये हो जाता है कि क्या हो रहा है. द होमवर्क अलॉन्ग विद कॉकरोच ट्रायल्स देयर वर डॉट्स ऑन द लाइन्स. बेंजी कुड नॉट रिमेंबर गेटिंग दैट फार. श्योरली ही हैड ओनली डन द कर्ली थिंग एट द स्टार्ट. थ्री फ्लैट्स अ बार लाइन बी डी डी एंड एफ इम्पॉसिबल. अब क्या होता है, जब वो कॉकरोच उसके लेग्स पर इंक लग जाती है और वो आगे चलने लगता है, तो बेंजी क्या देखता है, होमवर्क जो कॉकरोच का ट्रायल था, मतलब जैसे जैसे कॉकरोच आगे बढ़ रहा था तो नोटबुक पर लाइंस बनती जा रही थी. तो बेंजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ देख रहा है. और एकदम से वो क्या देखता है, जिस तरीके के म्यूज़िक नोटबुक में उसको कर्ल्स बनाने थे, इसी टाइप के कर्ल्स बनते चले जाते हैं. और वो देखता है थ्री फ्लैट्स अ बार लाइन, मींस उसे इस तरीके का कोई होमवर्क होना होता है म्यूज़िक नोटबुक में, तो जैसा होमवर्क मतलब उसको करना था, बिल्कुल कॉकरोच इंक को अपनी लेग्स में लेकर बिल्कुल इसी तरीके का होमवर्क करता जा रहा था. और जो बेंजी था वो बिल्कुल सोच में पड़ गया था, वो कहता था इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कॉकरोच एक
इंक एक डॉट पर आएगा और फिर आगे चलता चला जाएगा और मेरा होमवर्क हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ही वॉच्ड हिज आईज बिगर देन सॉसर्स विद द बुक स्टिल हेल्ड इन द एयर. द कॉकरोच वॉक्ड टू द ब्लॉब ऑफ इंक, गैदर्ड अ स्मॉल ड्रॉप इन इट्स फ्रंट लेग्स, वॉक्ड केयरफुली ओवर द होमवर्क पेज एंड प्लेस्ड द इंक नीटली बिटवीन द लाइंस. अब वो देखता रहता है, उसकी आंखें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मीन्स उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है. और वो जो उसकी बुक होती है वो अब भी हवा में ही रहती है, जो उसने बुक उठाई हुई थी ना कॉकरोच को मारने के लिए, वो अब भी हवा में ही होती है उसकी बुक. मतलब उसने मारा नहीं था, अपने हैंड को ऊपर किए हुए बुक को पकड़े हुए था, वो कॉकरोच को क्रैश करने के लिए जा रहा था. लेकिन जब वो देखता है कि उसका होमवर्क हो रहा है तो वो उसको मारता नहीं है और उसका हैंड जो है वो एज इट इज़ ऊपर ही रह जाता है. कॉकरोच जो है वो आगे चलता रहता है. गैदर्ड अ स्मॉलर ड्रॉप इन इट्स फ्रंट लेग्स, एक छोटी सी ड्रॉप को इकट्ठा करके अपने फ्रंट लेग में वो आगे चलता रहता है और नीटली उसका होमवर्क करता रहता है, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा लाइंस बनाता रहता है. ए माउथ बेंजी सडनली रिमेंबरिंग द बुक एंड प्लेसिंग इट जेंटली ऑन द कारपेट, ही नेल्ट डाउन हिज फेस क्लोज टू द डेस्क टॉप. The cockroach worked on. अब क्या होता है, बेंजी के मुंह से निकलता है ए, यानी मींस उसे ए बनाना होगा और ए ही बन जाता है. एकदम से उसे याद आता है कि उसने हाथ में बुक पकड़ी हुई है और उसे वो बहुत ही जेंटली कारपेट पे रख देता है उस बुक को, और फिर वो नीचे बैठ जाता है और डेस्क टॉप पर अपना फेस बहुत ही क्लोज करके देखता है कि कॉकरोच जो है अपने वर्क में लगा हुआ है. द कॉकरोच वर्कड ऑन, वो अपना काम कर रहा है. आई मस्ट हैव ईटन टू मैनी पीनट बटर sandwiches when I got home from school. Benji rubbed his eyes. Cockroach had finished the first line. अब क्या होता है, वो कहता है कि शायद मैंने ना पीनट बटर सैंडविचेस कुछ ज़्यादा ही खा लिए हैं. वो अपनी आँखों को रब करता है, यानी उसे ऐसा लगता है कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे कॉकरोच कैसे कर सकता है मेरा होमवर्क. कॉकरोच ने फर्स्ट लाइन जब तक फिनिश कर ली होती है, जब तक वो सोचता रहता है बेंजी. एविडेंटली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ ही स्टेप्ड बैक टू सर्वे हिज वर्क. अब कॉकरोच ने जब फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली होती है तो वो क्या करता है, ख़ुद से खुश होकर एक बार पीछे की तरफ देखता है, अपने वर्क का सर्वे करता है. मींस अब मान लीजिए आपने कोई वर्क कर लिया है और बहुत ज़्यादा आप खुश हैं कि यस मेरा ये कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ना, थोड़ा सर्वे करते हैं कि देखो हुआ है या नहीं, ठीक हुआ है. तो इसी तरह कॉकरोच ने अपनी फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली और बहुत ही खुश था वो खुद से कॉकरोच, और कॉकरोच थोड़ा सा पीछे की तरफ गया और देखा उसने कि हाँ ठीक है चलो आप आगे बढ़ते हैं. बेंजी कुड नॉट मूव देयर, इट वॉज अ डिस्कस्टिंग डर्टी क्रीपी क्रॉली इंसेक्ट, इट हैड रिटन अ लाइन ऑफ म्यूजिक. कुड बेंजी बी श्योर दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग. बेंजी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, बेंजी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कॉकरोच मेरा वर्क इतना नीटली कैसे कर रहा है. अब वो ये देखता है कि इतना गंदा सा डरावना सा पतला सा इंसेक्ट कैसे वर्क कर रहा है मेरा, और उसकी म्यूज़िक की एक लाइन लिख चुका था. अब बेंजी जो था वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो ड्रीम तो नहीं देख रहा, ही वॉज नॉट ड्रीमिंग. नेक्स्ट, कॉकरोच मूव टूवर्ड्स द ब्लॉब ऑफ इंक. कॉकरोच आगे बढ़ता जाता है, ब्लॉब ऑफ इंक मीन्स डॉट ऑफ इंक, जो इंक की डॉट होती है उसकी तरफ आगे बढ़ता है. हिज फ्रंट लेग्स बिजली ट्राइड टू गैदर अनदर ड्रॉपलेट बट बाय नाउ द इंक हैड सोक्ड इनटू द पेपर. अब भाई एक इंक की जो डॉट होती है उसे कब तक लिख सकता था उसकी हेल्प से. अब जो कॉकरोच के जो लेग्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं क्या करने के लिए, कि अनदर ड्रॉपलेट को गैदर करने के लिए, कोई दूसरी ड्रॉपलेट उसे मिल जाती और वो उसको इकट्ठा करके फिर से अपना वर्क स्टार्ट करता. लेकिन पेपर पे जो इंक पहले पड़ी हुई थी अब वो सूख चुकी थी. ही स्क्रैम्पर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ओवर द होमवर्क पेज बट देयर वर नो मोर स्प्लिट ड्रॉप्स ऑफ इंक लेफ्ट टू यू. अब वो क्या करता है कॉकरोच पेज के आगे पीछे जाता है, यानी कि कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, इधर उधर घूमता रहता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई दूसरी ड्रॉप तो नहीं है बची हुई कि उस ड्रॉप को वो यूज़ करके फिर होमवर्क को कम्प्लीट करें. फाइनली ही सेट बैक विद हेड रेज्ड एंड मूव्ड हिज फीलर्स क्वेश्चनिंगली. अब जब उसे कोई ड्रॉप मिलती ही नहीं है वो क्या करता है, वो बैठ जाता है, कॉकरोच बैठ जाता है और अपने हेड को रेज करता है, अपने हेड को सिर को अपने ऊपर उठाता है और अपने फीलर्स को मूव करने लगता है, जो उसके ऐसे दो एंटीना बने हुए हैं ना उनको क्या करता है मूव करता है क्वेश्चनिंगली, यानी कि अब उनको इस तरह से मूव करता है कि वो बेंजी की तरफ इशारा होता है कि अब क्या करूं, अब तो है ही नहीं, अब तो ड्रॉपलेट नहीं है तो मैं कैसे होमवर्क करूंगा.
Then Benji gently lifted the pen, dipped it in the bottle and placed it upside down on the homework page. अब Benji क्या करता है, बहुत ही पेन को gently lift करता है, पेन को बहुत ही प्यार से उठाता है, उसको बॉटल में डिप करता है और वापस अपने होमवर्क पेज पर थोड़ी सी यानी कि वो ड्रॉप डाल देता है. इमीडिएटली कॉकरोच रैन टुवर्ड्स द निब एंड सेट अबाउट गैदरिंग अ ड्रॉपलेट विदाउट इवन अ थैंक यू. ही वॉक टुवर्ड्स द सेकेंड लाइन एंड कंटिन्यूड वर्किंग. अब एकदम से कॉकरोच क्या करता है, उस निब की तरफ भागा हुआ जाता है, उस ड्रॉपलेट को गैदर करता है और उसको शुक्रिया भी अदा नहीं करता. मीन्स कॉकरोच इतना बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि तुमने मुझे ड्रॉप दी है मैं तुम्हें थैंक यू कह दूँ. वो बिना थैंक यू के है अपने सेकेंड लाइन के वर्क में लग जाता है. Benji got up and walked into the kitchen, wondering if he was in some sort of a strange movie. He picked a piece out of a fruit cake and broke off a corner of a biscuit. He went to the drawer where the matches were kept and emptied a full box into a corner of it. अब Benji किचन में जाता है क्योंकि उससे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी. वो ये सोच रहा था कि कहीं मैं कोई एक स्ट्रेंज मूवी तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ अजीब सी मूवी तो नहीं देख रहा हूँ मैं. फिर वो क्या करता है, वो फ्रूट केक का एक पीस उठाता है, साथ में बिस्किट का एक कोना तोड़ता है, छोटा सा बिस्किट का कोना तोड़ता है और वो ड्रॉर की तरफ जाता है जहाँ पे मैचेस रखी हुई होती है. मैच बॉक्स होता है हमारी, माचिस वहाँ पे जो रखी हुई होती है, और उनमें से एक पूरी एक मैच बॉक्स खाली कर लेता है. उसमें मीन्स सारी स्टिक्स जो हैं वो निकाल देता है और मैच बॉक्स ले लेता है. देखें यहाँ पर शो हुआ है, He is Benji and it is a cockroach and he is doing Benji's homework. Benji है ये, यहाँ पे cockroach homework कर रहा है Benji का, musical notes बना रहा है उसके. Now, when he returned, cockroach had almost used up the ink from the nib. Benji placed cake crumbs on one corner of the homework page and biscuit crumbs on the other. जब वो लौटता है किचन से, जब Benji किचन से लौटता है तो वो क्या देखता है, कॉकरोच हैड ऑलमोस्ट यूज्ड अप द इंक फ्रॉम द निब. मतलब जितनी निब में से इंक निकली हुई थी कॉकरोच ने वो सब यूज़ कर ली थी. Benji placed cake crumbs on one corner of the homework page and biscuit crumbs on the other. अब Benji क्या करता है, जो होमवर्क का पेज होता है उसके एक कोने पे तो फ्रूट केक रख देता है. मीन्स एक इस साइड तो फ्रूट केक रख देगा और इस साइड उसने बिस्किट रख दिया है. येस आफ्टर ऑल द हैवी वर्क Cockroach was ready for a snack. He inspected the cake and then the biscuit and after a few seconds of feeler twitching, decided on the cake. Yes, अब भाई जब इतना सारा कोई काम करेगा तो उसे भूख तो लगेगी ना. तो अब इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया था हैवी वर्क के बाद, कॉकरोच अपने स्नैक के लिए रेडी था, अपने नाश्ते के लिए वो रेडी था. उसने क्या किया, केक को और बिस्किट को इंस्पेक्ट किया. मींस मतलब जैसे होता है ना इंसेक्ट, आपने कैट को भी देखा होगा या कोई और इंसेक्ट पे तो खैर इतनी नज़र नहीं जाएगी, लेकिन आपने कैट को देखा होगा जब वो कुछ खाती है तो उससे पहले ना वो उसको स्मेल करती है. तो इसी तरह यहाँ पे बताया कि कॉकरोच ने इंस्पेक्ट किया यानी कि उसको जांचा पहले कि केक को भी और बिस्किट को भी, और कुछ सेकंड बाद उसने अपने फीलर को ट्विचिंग किया, अपने फीलर्स को हिलाया, एंटीना जो है उसके, और उसने डिसाइड किया कि चलो मुझे केक खाना है. उसको केक पसंद आया. मीन्स द एम्प्टी मैच बॉक्स वॉज ट्रीटेड विद सस्पिशन एट फर्स्ट एज सून एज कॉकरोच क्लाइम्ड इनटू इट द कार्डबोर्ड मूव्ड स्लाइटली. अब क्या होता है, जो एम्प्टी मैच बॉक्स रखा हुआ होता है ना, वो पहले उसको थोड़ा ट्रीटेड विद सस्पिशन, मींस उसको थोड़ा ना शक सा होता है उसको. मतलब कॉकरोच ये सोचता है ये एम्प्टी मैच बॉक्स क्यों लेकर आया है यहाँ पर. तो कॉकरोच क्या करता है, जैसे ही कॉकरोच उस पर क्लाइंब करता है, कार्डबोर्ड थोड़ा सा हिल जाता है. दैट सेंट कॉकरोच स्केयरिंग टू दी कॉर्नर फ्रॉम वेयर ही नर्वसली रिगार्डेड हिज न्यू होम. अब जैसे ही कॉकरोच कूदता है, जंप करता है पेपर के ऊपर, वो थोड़ा सा हिलता है और वो कहाँ पर चला जाता है, एकदम जैसे मतलब कार्डबोर्ड नीचे की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा, और जो कॉकरोच है वो जो एम्प्टी मैच बॉक्स है उसके कोनों में चला जाएगा और वो बहुत ही नर्वसली मतलब घबरा कर अपने न्यू होम को देखता है. मीन्स वो उस मैच बॉक्स के अंदर चला जाता है. Benji wondered if he would have lined the matchbox with a piece of tissue. Bravely, cockroach moved forward again and climbed right into his new home. अब क्या होता है कि कॉकरोच जो है वो बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है और अपने न्यू होम में चला जाता है. मीन्स उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस मैच बॉक्स में जाने से. आफ्टर अ फ्यू इंस्पेक्शन टर्न्स ही अपीयर टू बी सेटिस्फाइड एंड सेटल डाउन टू एन आफ्टरनून नैप.
कुछ सेकंड्स के बाद मींस कुछ इंस्पेक्शन करता है, वो मैच बॉक्स को देखता है इधर उधर से और वो सेटिस्फाई हो जाता है, उस ठीक लगता है, उन्होंने कहा चलो ठीक है मेरा न्यू होम भी ठीक है। और वो सेटिस्फाई होने के बाद सेटल डाउन हो जाता है फॉर एन आफ्टरनून नैप, यानी कि दोपहर को उसके सोने का टाइम हो गया है अब, और वो उसके लिए लेट जाता है। कौन? कॉकरोच। बेंजी सेंक बैग ऑन हिज बेड एंड लेट आउट अ साई। देयर इट वॉज कॉकरोच म्यूजिक, अ बिट अनटाइडी बट नेवरदलेस ओरिजिनल कॉकरोच क्रिएशन। बेंजी भी अपना शुक्र अदा करता है, वो अपना बेड पर लेट जाता है और एक सांस निकालता है, यानी कि जैसे थक कर उसने बहुत सारा काम किया हो, फाइनली एक कॉकरोच ने उसका काफ़ी हद तक अनटाइडी वर्क कर लिया है। मतलब एक रियल कॉकरोच नहीं कर सकता था इस तरह से वर्क, लेकिन फिर भी कॉकरोच म्यूजिक, कॉकरोच ने उसका म्यूजिक का होमवर्क कर लिया है। द नेक्स्ट थिंग वॉज टू शो द म्यूजिकल पीस टू मम। बेंजी वॉज श्योर शी वुड बी प्लीज विद द अमेजिंग म्यूजिक कॉकरोच हैड रिटन। अब अगली चीज़ क्या थी, वर्क हो चुका था बेंजी का, कॉकरोच भी को भी उसने उसके न्यू होम पर भेज दिया था। अगला काम क्या था उसका, अगला काम ये था कि अपना म्यूजिकल पीस मीन्स जो उसने वर्क कराया है, जो म्यूज़िक होमवर्क हो गया है, वो अपनी मम्मी को दिखाएगा, सारा क्रेडिट उसने खुद लेना है। और बेंजी बिल्कुल श्योर था कि उसकी मम्मी, बेंजी की मम्मी वाकई बहुत खुश हो जाएंगी अमेजिंग म्यूज़िक कॉकरोच देखकर, कि जो कॉकरोच ने वर्क किया है उसकी म्यूज़िक नोटबुक में, उस वर्क को देखकर उसकी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हेयर योर कॉम्प्रिहेंसन, ए रीड दिस आंसर, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे आपके टिक मार्क्स हैं, जो राइट आंसर हैं आपको वो करेक्ट करना है। म्यूज़िक होमवर्क, व्हाट अ न्यूसेंस। दीज वर्ड्स ऑफ बेंजी शो दैट, आपके फर्स्ट में आया था ना म्यूज़िक होमवर्क, व्हाट अ न्यूसेंस, तो ये वर्ड्स क्या शो कर रहे थे, ही डिड नॉट इन्जॉय म्यूज़िक होमवर्क, कि अपने म्यूज़िक होमवर्क को वो इन्जॉय नहीं कर रहा था। बेंजी वॉज एंग्री विद द कॉकरोच विच हैड, बेंजी गुस्सा था विद कॉकरोच से, क्यों, स्पॉइल द पेज ऑफ हिज होमवर्क, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि कॉकरोच ने उसके होमवर्क का पेज को बर्बाद कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। बेंजी डिड नॉट क्रश द कॉकरोच विद हिज म्यूजिक बुक, बिकॉज बेंजी ने कॉकरोच को क्रश नहीं किया था अपनी म्यूजिक बुक से, क्योंकि ही गॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द कॉकरोच वॉज डूइंग, वो इंटरेस्टेड हो गया था कि कॉकरोच क्या कर रहा है। जब उसने देखा था कि उसका म्यूजिकल होमवर्क टाइप कुछ हो रहा है, तो उसने उसे मारा नहीं था। The most unbelievable thing about the cockroach was that it seemed to create correct musical notes. जो बिल्कुल भी यकीन करने लायक वाली बात नहीं है इसमें, वो क्या है कि कॉकरोच जो है ऐसा लग रहा है बिल्कुल करेक्ट म्यूज़िकल नोट्स बना रहा है। अब कॉकरोच तो म्यूज़िकल नोट्स नहीं बना सकता है, वो इंक पर तो आ सकता है, आगे भी चल सकता है, लेकिन वो करेक्ट म्यूज़िकल नोट्स नहीं बना सकता है। तो यही मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग है इन दिस चैप्टर। बेंजी मेड द कॉकरोच ए हाउस विद अ मैच बॉक्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप इट एज हिज पेट। बेंजी ने उसको मैच बॉक्स के अंदर क्यों रख दिया था कॉकरोच को, क्योंकि वो उसको अपने पेट की तरह चाहता था, वो चाहता था कि ये मेरा पेट बन जाए, क्योंकि उसे अपना आगे भी तो होमवर्क कराना था ना, बिकॉज ही वॉज अ लेजी बॉय आई थिंक। सो हियर द चैप्टर द कॉकरोच दैट रॉट म्यूजिक हैज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू एन्जॉयड दिस स्टोरी ऑफ द कॉकरोच दैट रॉट म्यूजिक। I hope, take care all of you.